बहराइच जिले के मोतीपुर तहसील अंतर्गत विकास खंड मिहीपुरवा के ग्राम पंचायत सुजौली के मजरा त्रिलोकी गोढ़ी गांव में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। भीषण आग के चलते गांव निवासी ब्रजमोहन व सोहन के कच्चे मकान व फूस के छप्पर जलकर खाक हो गए। इस दौरान सोहन और ब्रजमोहन की मां रामसागरी ने बताया कि उनके घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर में मौजूद साइकिल व दो सोलर पैनल इसके साथ साथ अनाज कपड़े इत्यादि जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक भीषण आग लगने के चलते गांव में हड़कंप मच गया। इसके साथ साथ तेज हवा भी चल रही थी जिससे आग फैलने की पूरी संभावना थी। गांव के कुछ ग्रामीणों के द्वारा तत्काल पंपिंग सेट इंजन के सहारे आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर ग्राम पंचायत सुजौली के प्रधान राजेश गुप्ता पहुंचे और पीड़ितों को ढांढस बंधाया। वहीं इस दौरान ग्राम प्रधान सुजौली राजेश गुप्ता ने कहा कि मामले की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है। इसके साथ साथ अग्निकांड के पीड़ितों के लिए उचित व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान सुजौली राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, आज यहाँ पर दाड़ा गांव में आग लगी है, बताइए किस तरीके का नुकसान हुआ है और क्या व्यवस्थाएं इन लोगों के लिए की जाएंगी? इनका घर पूर्णतः से जल के खत्म हो गया है। दरअसल घर पे कोई था नहीं, दोनों बहुएं मैके गई हुई हैं और जो दो पुरुष हैं वो बाहर कमाते हैं और घर पे कोई मौजूद न होने से इनका पूरा जो घर की गृहस्थी थी सब खत्म हो गई, नष्ट हो गई। अच्छा, तो इन लोगों के लिए कोई इनका रहने होने की व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से? जी, क्या अभी तत्काल में बहुए तो है नहीं घर पे, उनको खबर की आती है तो तत्काल तिरपाल वगैरह की व्यवस्था कराई जाएगी, बलाक बात किया गया, इनको आवास की भी व्यवस्था कराई जाएगी। अच्छा, तहसील प्रशासन को अवगत करा दिया गया? जी जी, तहसीलपाल साहब से भी बात हुआ, नाम और आधार सबका भेज दिया गया, फोटो भेज दिया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।